कहाँ चलाए थे पैसे? काहे के पैसे हमारे दोस्त ने वहाँ से दिए थे इंदौर में देने के लिए। अच्छा, हमने बोला कि स्टेशन पे जाना तो हमारे आदमी वो लेने आ जाएगा। कौन आएगा आदमी लेने? उनका आदमी, उनको बोले मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ से आ रहे थे अभी? पिपलगंज से आ रहा था मैं। तो ये पैसे मतलब क्या मिल गए? वो बोले कि एक काम करना है, बैग में पैसे रख लो और बोले कि वहाँ पे दे देना। बोले कि मेरे ये नए नोट थे, पुराने नए नोट थे। अच्छा, जिसको देना था उसका क्या नाम था, कौन है वो? वो तो उनका ऑफिस है यहाँ पे राकेश जी का। क्या नाम से ऑफिस? सोम कंपनी वाला आएगा, बोले कि उनको दे देना। कौन सी कंपनी? सोम कंपनी वाला। हाँ, ये किन्ने दिए थे आपको पैसे वहाँ पे? राकेश भाई। तो वो कब आएंगे, उनसे बात? क्या करते हैं राकेश भाई? हाँ, बात नहीं कर रही है अभी मेरी। क्यों, क्या करते हैं राकेश भाई? दारू शराब के ठेके। अच्छा, शराब के ठेकेदार है। कहाँ पे इनके ठेके? अपने पिपलगंज में है, धार में भी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? पिपलगंज के ही है। ये आपके साथ में कौन है? ये भी छोटा पिपल। क्या नाम है? मेरा साथ में था ये भी, इसको तो। क्या नाम है भैया आपका? कुल कितने पैसे थे आप लोगों ने? उनने बोला था 12.5 लाख के आसपास है, बोले वहाँ दे देना। 12.5 लाख के आसपास है, ऑफिस में देना था। तो ये सब 2000 के नोट में थे, 500 के? ये इतनी जानकारी नहीं है कि कितने थे, क्योंकि यहाँ पे जब पता है तो 100 के भी थे, 2000 के भी थे। तो आप क्या बस से या ट्रक से आए थे? नहीं, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो हमको रास्ते में ही सर उन्होंने पकड़ लिया। सब बाइक से आए थे? हाँ, बाइक से।